क्या आप मानते हो एनजीटी कानून की धज्जियां आप उड़ा रहे हो यहाँ पर बैठकर? यहाँ के स्थानीय ग्रामीण इन चीजों को देख रहे होंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रोजेक्ट को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट। मतलब आपको ह्यूल नदी के अंदर इस तरह के कार्य करने के लिए उन्होंने अप्रूवल क्यों अप्रूव किया हुआ है? तुम कौन हो? मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर। आप बताइए नहीं सर, हम इन्हें मना करते हैं सर। हाँ, हमने जब हमारी बुकिंग होती है सर तो हम इस रिवर साइड के लिए बिल्कुल मना कर देते। रिजॉर्ट के मालिक कौन है? ये रेनू बिस्ट है। रेनू बिस्ट कौन कौन? रेनू बिस्ट यहाँ के जो विधायक है। ओ, बहुत अच्छी बात है। रेनू बिस्ट जी है, देखिए ये बता रहे हैं कि रेनू बिस्ट है इसकी मालिक, जो यहाँ की विधायक है, जो विधायक है यहाँ की वो मालिक है। अब हमें कुछ नहीं कहना है इसके बाद। अगर रेनू बिस्ट इसकी मालिक है और उनके रिजॉर्ट में खुलेआम यहाँ पे शराब पी जाती है, और ये देखिए शराब की बोतल, रैपर, सिगरेट सब कुछ है, और ये लोग देखिए नंग धड़ंग बैठे हुए यहाँ पे बिल्कुल नदी में, हेवल नदी में। और बिल्कुल आप ये कहेंगे कि जो एनजीटी के मानक है उसका भी उल्लंघन कर रहा है रिजॉर्ट। तो रेनू बिस्ट जी, ये तो आपका कर्मचारी बता रहा है कि आपका रिजॉर्ट है ये, और ये 50 मीटर भी दूर नहीं है नदी के, ये 50 मीटर दूर भी नहीं है नदी के। और रेनू बिस्ट जी, आप रात को वहाँ पे जेसीबी लेके वहाँ पहुँच गई रात को वनंतरा को तोड़ने के लिए, जबकि आपका ही कर्मचारी, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, किसका रिजॉर्ट है ये? सर उन्हीं का रिजॉर्ट है। किनका रिजॉर्ट है? रेनू बिस्ट जी का। कौन है रेनू बिस्ट? जो यहाँ के विधायक है उन्हीं का है। क्या उन्होंने अलाउ किया कि यहाँ पे शराब पी जाए? नहीं सर, ये उनका है लेकिन उन्होंने लीज पे दे रखा है ये दूसरे को। किसको दिया है लीज पे? दिल्ली का ओनर है कोई। ओके जी। क्या है इस रिजॉर्ट का नाम? यारी टोली है इसका नाम। लेकिन हम जो ये है रिवर सेट के लिए हम बिल्कुल भी वो नहीं करते, हम पहले बता देते हैं सर कि आप इनको बोलिए कि अंदर जाके पिए। सर सर हम बोलते हैं कोई ये नहा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहा सकते हैं।